शताकटा संग्रम विनोद बीच वल्लरी विराजमान आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको मैं बताना चाहूँगा महाकालेश कालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित हैं उनके बाद और उज्जैन का अभी तक राजा कोई घोषित हुआ ही नहीं है। अभी तक महाकालेश्वर ही उज्जैन के राजा बोले जाते हैं। तो आज कहानी उन्हीं पे है। मैं बताना चाहूँगा कि उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना भी इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता हैं और कल्याणकारी भी हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्ता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटा जूटधारी भस्म भभूष शरीर पर लगाए, गले में नाग, रुद्राक्ष की माला, जटाओं में चंद्र, गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बागंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी हैं अथवा शक्ति गणेश और कार्तिकेय के वे पिता हैं। यूँ तो इस मंदिर का काफ़ी महत्व है, यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव की 12 राशियों से प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। 12 राशियों से प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय सूर्य की पहली 12 राशियाँ धरती पर गिरी, उनमें 12 ज्योतिर्लिंग का बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 राशियों से ही निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को असर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है यहाँ पर, इसलिए भी तंत्र की क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हर सिद्ध काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं की कई मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप व संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं हैं, बीच के हिस्से में ओंकारेश्वर हैं, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्र शेवर हैं और भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। यहाँ लंबे समय राजा महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है।
जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने के महल बनवाया। उस समय से सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में काली देह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है उज्जैन आने पर सिंधिया महाराजा इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन नगरी में रात के समय नहीं रुकते हैं। ये कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। पापों से मिलती है यहाँ पर मुक्ति। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी भयावह स्थिति में सोचा आपको बता दें कि कालों के काल महाकाल के बारे में। तो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखें और आने वाले समय में हम सत्य घटना पर आधारित और रोचक तथ्यों पर आधारित आपको कहानी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।